हाँ तो नमस्कार दोस्तों, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज बोल बरेली का 50वां वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज बरेली के एक ऐतिहासिक सिनेमा की बात करेंगे जिसका नाम है इम्पीरियल सिनेमा। जी हाँ, वही इम्पीरियल सिनेमा जिसके नाम से अब इम्पीरियल नाम की एक बिल्डिंग बनी है, इम्पीरियल मॉल एंड सिनीप्लेक्स। और कभी वहाँ पे एक इम्पीरियल सिनेमा हुआ करता था जो कि बरेली के कोतवाली के पीछे था और पुराने रोडवेज बस अड्डे के जस्ट बराबर में इम्पीरियल सिनेमा हुआ करता था। ये सिनेमा 1960 के दशक का खुला हुआ सिनेमा था और इसमें एक ऐतिहासिक फिल्में बरेली में प्रदर्शित हुई, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इसमें प्रदर्शित हुई जिनके लिस्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बहरहाल थोड़ी सी बात इस टॉकीज़ के बारे में। ये टॉकीज़ कई बार चला, कई बार बंद हुआ, बीच बीच में बंद होता रहा। 90s में जैसे बंद हुआ तो 97 में शुरू हुआ, तो मृत्युदाता से जैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी वापसी की थी, ऐसे ही इस टॉकीज़ ने दोबारा से अपनी वापसी की थी। अपने अंतिम दिनों में इस टॉकीज़ में कुछ एडल्ट मूवी लगती थी जिसके सहारे इसका खर्चा निकलता था, जैसे तैसे यह टॉकीज अपना समय पूरा कर रहा था। लेकिन चूंकि इसमें फिल्में बहुत अच्छी अच्छी लगी हैं तो इस टॉकीज़ का जिक्र करना ज़रूरी बन जाता है। आखिरी फिल्म जो इस टॉकीज़ में लगी थी वो फिल्म थी शर्मन जोशी और तब्बू की तो बात पक्की। 28 फरवरी 2010 को रात 9 से 12 का आखिरी शो इस टॉकीज़ में चला, उसके बाद ये टॉकीज़ बंद हो गया। उसके बाद इस टॉकीज़ के मालिक अनिल शर्मा जी ने इस टॉकीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कराने की कोशिश में पूरा टॉकीज़ तोड़वाया और आज वहाँ पे इम्पीरियल मॉल और सिनेप्लेक्स नाम से एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है तो इसमें अब फिल्में तो नहीं चलती लेकिन नीचे दुकानें बन गई हैं और दुकानें तो थोड़ी चल रही हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन इस टॉकीज़ में फिल्में चलें। देखें, अगर मैं बात करूँ इम्पीरियल टॉकीज़ की तो काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में इस टॉकीज़ में लगी हैं और कभी बरेली की शान रहा है इम्पीरियल सिनेमा। इस टॉकीज़ की सबसे ख़ास बात ये थी, आम टॉकीज़ में जो थी वो 3 श्रेणियाँ होती थी। आप टिकट जब लेते थे सबसे आगे वाली श्रेणी इसे फर्स्ट क्लास कहा जाता था, फिर एक थोड़ा पीछे जो बैठते थे उसे आप फैमिली सर्कल कह देते थे, ऊपर आप बैठते थे तो बालकोनी कह देते थे। लेकिन इस टॉकीज़ में एक अलग श्रेणी थी जिसका नाम था बॉक्स। जी हाँ, इस बॉक्स में बैठ के 8 या 10 लोग एक साथ बैठ सकते थे और उस बॉक्स में बैठ कर लोग फिल्मों का आनंद लेते थे। और इस टॉकीज़ की एक याद सबसे बड़ी ये है कि 1 मार्च 2003 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच सेंचुरियन में एक दिवसीय मैच खेला गया था 2003 के विश्व कप में, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 75 गेंदों में 98 रन की पारी खेली थी, उस समय इस टॉकीज़ ने पूरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कराया था और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों ने इस मैच को देखा था। साथ ही साथ एक बार यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी की सभा भी हुई थी इस टॉकीज के अंदर और बहुत सारे अपने यादों को समेटे हुए ये टॉकीज 28 फरवरी 2010 को अंतिम फिल्म प्रदर्शित करी इसने तो बात पक्की, और उसके बाद ये टॉकीज हमेशा के लिए शांत हो गया। अब मैं आपको इस टॉकीज में जो बेहतरीन फिल्में लगी हैं उनकी लिस्ट आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे महबूब, बंटी और बबली, बूम, मुंबई से आया मेरा दोस्त, लगान, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मृत्युदाता, बाज द वर्ल्ड इन डेंजर, लहू के दो रंग, हद कर दिया आपने, जाल द ट्रैप, 31 मार्च 1931, शहीद, शहीद ऊधम सिंह, इंसानियत, कानून का, खतरों के खिलाड़ी, माँ कसम बदला लूँगा, गनगुला, टाइटैनिक, कहानी किस्मत की, कृष्ण गोपाल, कयामत से कयामत तक, जुर्म, कामशास्त्र, घूंघट, किसान और भगवान, तूफान, सलाम बॉम्बे जो कि मीरा नायर की फिल्म थी, आखिरी बदला, अब्बल नंबर जिसे देवानंद जी ने डायरेक्ट करा था, काली गंगा, कसम सुहाग की, फर्स्ट लव, किला जो कि आखिरी फिल्म थी दिलीप कुमार जी की, दिलवाले, शहजादा, अप्पू राजा जो कि आपकी फिल्म रही है आपके बहुत ही महान एक्टर कमल हासन जी की, बंदेश, यारी दुश्मनी, स्मगलर, नया अनुभव, सिकंदर सड़क का, टारजन जो कि हेमंत बिर्जे और किमी काटकर जी की एक सुपरहिट फिल्म रही है, हमसे बढ़कर कौन, सरफरोश जो कि जितेंद्र की फिल्म थी, 10 जो कि 2 बार बनी है और दूसरी बार 2005 में रिलीज हुई थी, और बारूद, बागी, क्रोध, अ जर्नी टू बॉम्बे टू गोवा, तो बात पक्की जो कि आखिरी फिल्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, 28 फरवरी 2010 को रात का आखिरी शो हुआ 9 से 12 का, अग्निवर्षा, सलाम नमस्ते, दिल परदेसी हो गया, हर दिल जो प्यार करेगा, रुद्राक्ष, लकीर, तरकीब, लावारिस, प्यारे मोहन, मेला, जोरू का गुलाम, जूली, मंगल पांडे, जोश, पुलिस फोर्स, अंदाज, टॉम डिक एंड हैरी और आन। आखिरी फिल्म जो इस टॉकीज में बहुत बड़ी हिट हुई थी वो चली थी टॉम डिक एंड हैरी और उसके पहले अंदाज। अंदाज फिल्म ने इस टॉकीज़ में 8 हफ्ते पूरे करे थे, बहुत अच्छी म्यूजिकल हिट फिल्म आई थी 2003 में। और इम्पीरियल टॉकीज़ के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता ही चुका हूँ कि इस टॉकीज़ की एक खास बात थी कि इसमें एक अलग से बॉक्स श्रेणी की फिल्म बॉक्स बना हुआ था और अनिल शर्मा जी के निर्देशन में ये टॉकीज़ काफ़ी दिन चला और ऐतिहासिक फिल्म लगान
इसी टॉकीज में लगी थी, और उसी दिन जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी जैसे कि आप लोग जानते हैं अदर, वो बसंत में लगी थी, और आज ये दोनों ही टॉकीज बरेली में बंद हो चुके हैं। 15 जून 2001 को जो हिस्ट्री क्रिएट हुई भारत के इतिहास में, बॉलीवुड इतिहास में, वो दोनों टॉकीज अब बंद हो चुके हैं और दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन फिल्म नहीं चल रही है। लेकिन कोशिश है कि ये फिल्में आगे, इसमें फिल्में चलें। आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छी जानकारी दी, और फिर भी अगर आपको लगता है कोई जानकारी मिस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बोल बरेली चैनल है, इसमें मैं बरेली की ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी बहुत सारी चीज़ों में बरेली में की जो है वो इसमें कवर करूँगा। आप बोल बरेली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मेरी बात पहुँचाएँ, और जिससे कि लोगों का थोड़ा ज्ञान बढ़े। और अगर कुछ गलती है मुझे तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे इसमें चूक रहा हूँ। आप अगर मेरा सहयोग देंगे तो आगे भी मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको भेजता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।